दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अकाउंट होल्डर नेम क्या होता है, अकाउंट होल्डर नेम में क्या डालें। अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं और अगर आपसे वहां पर अकाउंट होल्डर नेम पूछा जा रहा है तो आपको अकाउंट होल्डर नेम में क्या डालना है, या फिर अगर आप अपना अकाउंट नंबर कहीं पर डाल रहे हैं और वहां पर भी आपको अकाउंट होल्डर नेम पूछा जा रहा है तो आपको अकाउंट होल्डर नेम में क्या डालना है, इस वीडियो में बताने वाले हैं। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आपको अकाउंट होल्डर नेम में क्या डालना है, चलिए बताते हैं। दोस्तों अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं उसके अकाउंट नंबर से, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं, हम जो है किसी के अकाउंट नंबर पे अगर पैसे भेजना चाहते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, तो यहाँ पर अगर हम उसका अकाउंट नंबर डालते हैं तो यहाँ पर नीचे लिखा आ जाता है अकाउंट होल्डर नेम। तो जिसका भी आप अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, जिसका अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, वह अकाउंट नंबर किस व्यक्ति के नाम से है, यानी जिसका भी बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर आप डालेंगे उसी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है अकाउंट होल्डर नेम में। इसी तरह से अगर आप अपना कहीं पर अकाउंट नंबर डाल रहे हैं तो वहां पर अगर आपसे अकाउंट होल्डर नेम पूछा जा रहा है तो उस समय आपको जो है अकाउंट होल्डर नेम में अपना नाम डाल देना है। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा देखने को मिलेगा उसे भी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।